नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जलंधर के ग्रीन एवेन्यू में 3 दिन से बंद पड़े घर में से एक महिला की लाश मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। नाबा ब्लॉक के गांव कालसना में पराली के धुएं के कारण 2 विद्यार्थियों की मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े ट्रैक्टर से टकराई, दोनों गंभीर घायल। नाबा की नई जिला जेल में बंद 148 कैदी पाए गए हैं हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने 300 कैदियों की भेजी थी लिस्ट। और अब हलचल विस्तार से। जलंधर के बस्ती शेख के अधीन आते ग्रीन एवेन्यू में 3 दिनों से बंद पड़े घर में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सुदेश कुमारी बस्ती शेख स्थित ग्रीन एवेन्यू के एक घर में अकेली रहती थी। पिछले 3 दिनों से सुदेश कुमारी घर से बाहर नहीं निकली। गत सुबह जब दूध देने वाले ने उसके घर की घंटी बजाई तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब उसने अंदर झांका तो अंदर से बदबू आ रही थी, जिसकी सूचना उन्होंने मोहल्ला निवासियों को दी, जिसके बाद इलाका निवासी इकट्ठा हो गए और इस घटना की सूचना थाना भार्गव कैंप की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना भार्गव कैंप की पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। इस मौके पर पुलिस जांच अधिकारियों ने बताया कि मृतक के रिश्तेदारों को उसकी मौत की खबर दे दी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गली नंबर 4 च एक सुदेश राणी नाँ की औरत रहिंदी है भी। वह 2-3 दिनों तो घरों बाहर नहीं निकली। तो जब दोधी जदों आया तो उन्हें हॉर्न वगैरह दिते, तद भी बाहर नहीं आई, तो बदबू आ रही थी। तो महल्ले वाले ने मैनू कॉल की, मैं मौके पर आके देखा कि वाकई ही बदबू आ रही थी। मैं महल्ले के प्रधान श्री बालकृष्ण बाली जी, मेरे वड्डे भाई सिंह तलवार साहब, कल्याण साहब न, रेवड़ी साहब न, मैं नाल लैके जो मौके पर पुलिस को इनफॉर्मेशन दी है। तो पुलिस ने आईओ भेजा रघुवीर सिंह, तो अंदर जाके देखा कि लाश बैड पर पई हुई है, तो वो बदबू आ रही है। अगर मैं बेनती करदा प्रेस के माध्यम नाल किसी रिश्तेदार नूं पता हो सुदेश कुमारी ग्रीन एवेन्यू रहिंदी है तो वह पुलिस नाल संपर्क कर सकन। लेडी कल्ली रहिंदी सी, इत्थे सुदेश कुमारी का नाम है, हाउस नंबर 158 ग्रीन एवेन्यू गली नंबर 4। ये बारे हम सू इनफॉर्मेशन गई सी, डेड बॉडी पई है अंदर, आके देखिए यदि मौत कुछ दिन पहला नहीं हुई हुई है, बॉडी सुजी पई है। बाकी जाके मेडिकल करवाने हॉस्पिटल तो जैसी सूरत तो वैसी कार्रवाई। पंजाब सरकार की ओर से किसानों को सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। अगर कोई किसान पराली के अवशेषों को आग लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर पंजाब सरकार के आदेशों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस कारण दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल देखने को मिली नाबा ब्लॉक के गाँव कालसना में, जहाँ पर 2 विद्यार्थी ट्यूशन से वापस अपने घर गाँव मल्लेवाल आ रहे थे। इस दौरान साय के समय किसी किसान की ओर से अपने खेतों में पराली को आग लगाई हुई थी, जिस कारण धुआं इतना अधिक था कि उनका मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े ट्रैक्टर में जा टकराया, जिस कारण दोनों विद्यार्थी बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु नाभा के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वही घटना के बाद किसान ट्रैक्टर लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। इस घटना में एक विद्यार्थी बबनदीप सिंह की दोनों टांगें और एक बाजू फ्रैक्चर हो गई है, जबकि दूसरे विद्यार्थी गुरशरण सिंह के दोनों घुटने बुरी तरह से टूट गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहीं पीड़ित परिवार प्रशासन से किसान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब इस संबंधी DC पटियाला साक्षी सानी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मुंगो तो आ रहे थे ट्यूशन ला के, कालसना रोड से अग लगी हुई थी, उत्ते असी हौली करके उतो क्ढन लगे, वो रोड के उत्ते ही ट्रैक्टर से हड़ पाए हुए खड़े सी। असी उतो हौली कर लिया सी, उत्ते बिचे धुएं के बिच खड़ा सी, उत्ते हौली कर आके लगे, उत्ते असी गिर गए साइड से, मैं इधर गिर गया, मेरा भाई इधर गिर गए। अग कि लगी हुई सी तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, ही धुआं कुछ नहीं दिख रहा। वह मुंगो तो आ रहे थे ट्यूशन पढ़ के जी, तो कासना को अग लगी हुई जी काफ़ी, तो अग के कारण जो लंघ रहे बच्चे जी, तो मतलब अग के जो ट्रैक्टर जो किसान जी वो हल वे पिछे पा के सड़क दी खड़ा होती, जेकर ट्रैक्टर ना होंगे तो बच्चे लंघ दे कोई दिक्कत दी, पर हल ट्रैक्टर सड़क के उपर ही खड़े से, एक्सीडेंट होने तो बाद उन्होंने खत्ते करता।
ਪਰਾ ਕਰਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਸੀ ਹਲ ਪਾ ਕੇ ਧੂਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ ਧੂਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੂਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ पंजाब की जेलें अक्सर ही सुर्खियों में रहती हैं। अगर नाभा की नई जिला जेल की बात की जाए तो वहां पर बंद 800 कैदियों के जब ब्लड टेस्ट किए गए तो उनमें से 148 कैदी हेपेटाइटिस सी यानी कि काला पीलिया की चपेट में पाए गए हैं। इस मौके पर नाभा सरकारी हॉस्पिटल के सहायक SMO प्रदीप अरोड़ा ने बताया कि गत दिवस जो गिनती की गई थी उसमें से 300 कैदी पीड़ित पाए गए थे, पर दोबारा शोध करने पर यह गिनती अब 148 पाई गई है, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट की ओर से जो पत्र भेजा गया था उसमें 300 कैदियों की गिनती बताई गई थी, पर कहीं ना कहीं ये गिनती गलत पाई गई है और अब पुष्टि हुई है कि 148 कैदी हेपेटाइटिस सी की बीमारी से पीड़ित हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। एक्चुअली 300 की रिपोर्ट गलत हैगी है, कोई कंफ्यूजन होगी जो LT गए सी साडे जां तां उन्होंने लैवल ते कितें कैलकुलेशन च एरर हो गया जां उन्होंने यह भी उत्थे कई टीमां चल रही सीगियां NGOs कोई TB का सर्वे भी चल रहा सीगा HIV का भी कर रहे थे हेपेटाइटिस बी का भी किया, इस करके जो कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो कन्फ्यूजन जेल सुपरिटेंडेंट के लैवल पर भी हुई है तो इतने भी LT ने भी कुछ हैगा थोड़ा। जेल सुपरिटेंडेंट ने की लिख के भेजे गए थे उन्होंने तो यही लिखा सी 300 के करीब कैदी है जिन्हें पॉजिटिव है तो तुम इस बंद ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। हूँ असं जो दोबारा सारे उन्होंने कागज़ वगैरह मंगाए ने रजिस्टर वगैरह तो टोटल कैलकुलेट किए 148 पॉजिटिव केस बने हैं। नाभा में पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर ने नगर कौंसिल कार्यालय में विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नाभा में अधूरे पड़े विकास कार्यों संबंधी विधायक गुरदेव सिंह देवमान के साथ विशेष मीटिंग भी की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री निज्जर ने कहा कि NIA केंद्र की एजेंसी है जिसे वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नुकसान के लिए इसका पता बाद में चलेगा। अगर बात की जाए पंजाब में गैंगस्टर्स के खात्मे के लिए तो ये एक अच्छी बात है, अगर ये लोगों को तंग परेशान करने के लिए है तो वह इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस मौके पर इलाका विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने कहा कि कैबिनेट मंत्री नाभा में विशेष रूप से पहुंचे और उन्होंने मांग की है कि नाभा की डेवलपमेंट के लिए उन्हें विशेष ग्रांट दी जाए ताकि नाभा का और अधिक सुधार हो सके। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। विकास तो लोगों का भी होना है और विकास सिस्टम का होना है, सो जो तुम लोगों के विकास की गल करते हो तो जिमें मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं और बड़े कामयाबी ना खुल रहे हैं, कई जगह पर 250-250 मरीज रोज़ के मोहल्ला क्लिनिक देख रहे हैं, फ्री टोटली दवाई है और टेस्ट भी टोटली फ्री ने, सो काफ़ी कामयाबी हुई उस बन्ने। तो इस तरह स्कूलों की भी इंप्रूवमेंट हो रही है, फिर जिस तरह खेडा वतन पंजाब दी जड़िया इन्ने साल बाद ऐतकी कराई गई ने सुरजीत हॉकी आ 3-4 दिन पहले मैं उत्थे इनॉगरेट करके आया सीगा तो सोहना एस्ट्रोटर्फ लगा है, बर्ल्टन पार्क है जिहड़ा ये तो अपना तुहाडा विकास की गल कर रहा सीगा। जे हुण आपां सिस्टम की गल करनी है तो जिहड़े भी स्मार्ट सिटीज़ बन रहे ने अमृतसर जलंधर पटियाला ये सारे बड़े सोहने प्रोजेक्ट लुधियाना प्रोजेक्ट बहुत चंगे चल रहे हैं, बर्ल्टन पार्क का 60 acres का पार्क जिहड़ा डिवेलपमेंट दुबारा करना सीगा तो वह मैं कल ही मैं क्या मैंने पास करके दो अड़िया पैसे बड़े चेर का कम अड़िया सीगा उहदा मैं कहना फिनिश करो विद इन 1 week। पंजाब में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं और अब वह बेझिझक होकर दिन दिहाड़े ही चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसका ताज़ा मामला सामने आया नाभा की सेंचुरी एनक्लेव कॉलोनी में, जहां चोर सुबह 4 बजे गाय को खोलकर चोरी कर ले जा रहा था कि मौके पर गाय के मालिक की ओर से उन्हें धर दबोच लिया गया और चोर को खंभे के साथ बांध दिया गया। ये चोर अमनगढ़ के नज़दीक गाँव 14 का रहने वाला है। जब चोर से संबंधी पूछा गया तो वह इधर उधर की बातें करता हुआ नजर आया और बाद में माना कि वह गाय को चोरी कर ले जा रहा था, लेकिन उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। केड़ा पिंड है? चमदाई। इत्थे करना आया सी? ओ जन्नत लद्दी दिहाड़ी लगा है। हैं? लद्दी दिहाड़ी करना। लद्दी दिहाड़ी करना मिस्त्री नाल। ओरे ही करदा सी फिर 4 बजे। 4 बजे ओरे ही करदा सी। ओथे मैं राह भुल गया जी। राह भुल गया? हां जी हां। फिर वो कहते बैड़ी खोलता फड़िया तो उन्होंने है पर तेन बनया क्या होया उ नहीं बनया जी 4 बजे बनया गया जी सवेरे बैड़ी खोल के जा रहा थी। हाँ बैड़ी खोल के जा रहा थी फड़िया गया है मैं कख पा निकले जब ये खोल के जा रहा बैड़ी। अच्छा फिर मैं फड़ लिया ये नाल भी कोई कल ही फड़िया मैं तो जी।
बठिंडा के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कार्यालय में हंगामा हो गया। इस दौरान लोगों ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस मौके पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में अपना काम करवाने आए लोगों का कहना है कि दफ्तर में पिछले कई सालों से लोगों का कोई भी काम नहीं हो रहा है और ना ही इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा प्लाट की रजिस्ट्री करवाई जा रही है। इसके अलावा प्लाटों को भी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है और ना ही NOC दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वह कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं और कोई भी अधिकारी उनका काम करने को तैयार नहीं है और हर काम को करवाने के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर को भी मिल चुके हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं मंजू वाला पत्नी श्री गोपाल कृष्ण बासीना थाना। हाँ जी, साडा मामला है प्लाट बारे जो कि पटेल नगर विच है, ओदे ट्रांसफर बारे है जी। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है जी, मेरे नाल मेरी मिसेज मंजू वाल है, असीं नथाणे तो आए। सर, असीं 15 साल तो परेशान हो चुके हैं जी। इन्होंने साडे नाल 15 साल तो धोखाधड़ी की हुई है। इहदे च गगनदीप है, सुनीता मल्होत्रा, ईओ गोरालाल ते मिनल बंसल, ईओ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बठिंडा। सर, असीं अज तो 15 साल पहला प्लाट अलाटी तो खरीदया सीगा, जिहदे ट्रांसफर दे पेपर असीं 15 साल पहला सबमिट करवा चुके हैं। सारे ड्यूज वगैरह क्लीयर किए जा चुके सी और चेयरमैन कोल भी ट्रस्ट ट्रांसफर वास्ते भेज दिता गया सीगा। इन्होंने साढ़े तो सुनीता मल्होत्रा ने तो गोरालाल जी ने रिश्वत मंगी सी 50,000 रुपया ट्रांसफर करने के लिए, असी नहीं दे सके। उस वेले साढ़े को नहीं पावर नहीं सी, असी नहीं दे सके, जिस कारण इन्होंने साढ़े तो झूठे बकाए कढ़ के झूठे पेपर बना के साढ़े प्लाट की ट्रांसफर 15 साल तक रोकी रखी। अज भी सानू प्लाट तक प्लाट का कब्जा नहीं दिता गया, क्योंकि अज सू पता लग्या सीगा DC साहब शिकायतां सुन रहे हैं, इस करके असं आए हैं, शायद इंसाफ की मांग। मामला रजिस्ट्री नहीं करा रहे जी, लोगों को परेशान किया जा रहा है, काम ही नहीं करते जी। इतने जेडे जो आने फाइलों चक के मुड़ जाने, बूट तड़ाले असं इतने, तो सानू 4 साल हो गए इतने गेड़े मार दें जी। कुछ नहीं कहते जी, जेड़े पैसे दे जाते उन्होंने काम हो जाता, दूजे घर बैठे रह जाते हैं। मेरा 2000 मैं प्लॉट लिया, मेरा पवन मंगला भारत नगर, 2000 मैं 15,000 रुपया सिक्योरिटी जमा कराई थी, मेरा उस 7,000 रुपया बकाया रहा है। मैं 10 चिट्ठियां लिखती, 15 बार मैं चक्कर मार ले, उस तो बाद इन्होंने एनहांसमेंट पाती। मैं जी मेथों बाकी मेरे 7,000 कट के बाकी मेरे तो पैसे ले लो, वो पैसे भी नहीं ले रहे मेथों, ना NOC देंगे ना पैसे ले रहे हैं ना वापस कर रहे, कुछ 20 साल हो गए। बठिंडा के एक वकील के घर में NIA द्वारा रेड कर उसे तंग परेशान कर और जाते समय उसका मोबाइल फोन ले जाने के विरोध में बठिंडा बार एसोसिएशन की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अदालत के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए वकील भाईचारे द्वारा NIA के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। इस अवसर पर प्रदर्शनकारी वकील भाईचारे ने कहा कि NIA की टीम द्वारा वकीलों को तंग परेशान किया जा रहा है, जिस कारण वकील भाईचारा काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर NIA द्वारा जब्त किया गया मोबाइल वापस नहीं किया गया तो वह अपना प्रदर्शन और तेज करेंगे। मेरे जी एडवोकेट सूर्यकांत सिंगला, वाइस प्रेसिडेंट जिला बार एसोसिएशन बठिंडा। ये जो सा धरना है जी 18 तरीक न गुरप्रीत सिंह सिद्धू जो एडवोकेट आ उन्होंने घर NIA की रेड हुई सी। जो रेड हुई है जी उदो इन्हों कोई कारणों बारे नहीं दसया गया भी रेड क्यों हुई है, ना ही अज तक इन्हों कोई कारणों बारे सूचित किया गया, ना ही रेड बारे इन्हों सूचित किया गया। जो ये रेड हुई उदो यह है जी इन्हों का मोबाइल जो नाल लैके गया, हजे तक वो मोबाइल जो है रिटर्न नहीं किया जी। उस संबंध के जोड़ा है बार एसोसिएशन बठिंडा ने 18 तरीक तो हूँ तक जो काम बंद रख्या होया, अज जो है असं स्टेट लैवल की भी कॉल दी है, तो असं जो है मिथे समय लिए अदालतों का जोड़ा काम है वो बंद कर दिता है। ये जी 18 तरीक तो असं जो अदालतों का काम बंद किया हुआ है, अज सारी पंजाब लैवल से असं कॉल दी हुई है, सारी पंजाब दी बारा ने बंद किया हुआ है। पिछले 18 तरीक न NIA की टीम ने मेरे घर सर्च बैंड लैके पहुंची सी, जो मैं असं दरवाजा खोलिया तो असं कोऑपरेट किया, मैं इन्होंने पूछा भी तुम किस परपज ले आए हो, उन्होंने कुछ नहीं दसिया, सिर्फ वो कहते असी थोड़ी सर्च करनी है घर की, मेरे ऑफिस की सर्च की, ब्रीफ वगैरह फरोले, बुक्स फरोलियाँ उन्होंने जी, उस तो बाद कहते असी थोड़ा बेडरूम देखना है, मैं कहा बेडरूम सारा घर चेक करो, वो फॉर्मैलिटी करी उन्होंने, मैनू नहीं लग रहा है वो सर्च कर रहे हैं, वो एक सिर्फ बहाना लैके ही आए थे, तो जाते हुए वो मेरा मोबाइल ले गया है।
ਅੱਜ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪੁਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਐਨ ਆਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ सती वृंदा देवी मंदिर कोट किशन चंद जालंधर में तुलसी विवाह के उपलक्ष में संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें कंचन मदान ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर मनमोहन सिंह राजू, तरसेम सिंह रखोत्रा, निर्मल सिंह, सलिल बारी, हरिपाल सोंदी, विनोद सोंदी, जीवन शर्मा, सुशील सोंदी, अनिल शर्मा, बबलू खन्ना, प्रिंस सोंदी, महेश कालिया, अनुराग सलवान सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। खुशियाँ मनाते रहें, सबकी मनोकामना परमात्मा पूरी करे, तुलसी माता पूरी करे। यहाँ आके हमने केले का और आमले का, तुलसी माता का सबका हमने पूजन किया है और हमने बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं और लंगर बना के लेके आए हैं। हम सब उसको वितरण भी करेंगे और यहाँ पे बैठ के आमला के नीचे खाएंगे। बोलो सती माता की जय। बोलो, हमने यहाँ पर मिट्टी के घर बनाने हैं ईंटों से। मैं स्पेशल लुधियाना से आई हूँ यहाँ पर दर्शन करने के लिए। इतनी मान्यता है इस मंदिर की, दूर दूर से लोग आए हैं। मैं भी अपने ग्रुप के साई ग्रुप के साथ यहाँ पर आई हूँ स्पेशल। माँ बगलामुखी धाम नजदीक लम्बा पेंट चौक पर स्थित गुलमोहर सिटी के धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में मासिक श्रृंखलाबद्ध संपूर्ण फलदायी माँ बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने विधिवत पूजन उपरांत माँ बगलामुखी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमानों से पूजा अर्चना के बाद हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। इस मौके पर नवजीत भारद्वाज ने कहा कि जो मनुष्य कलयुगी राक्षस से बचकर भगवान का जप तप पाठ पूजा व सिमरन करेगा वही भगवान के प्रति समर्पित हो सकता है। इस अवसर पर मनीष शर्मा, गौरव कोहली, एडवोकेट राजकुमार, राजेंद्र कत्याल, बलजिंदर सिंह, समीर चोपड़ा, नवीन अमरजीत सिंह, गोपाल मालपानी, विक्रांत शर्मा, संजीव शर्मा, राकेश महाजन, अमरेंद्र शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, कृष्ण गुप्ता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी विशाल लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। जय माँ बगलामुखी जी। आज माँ पीताम्बरा भगवती बगलामुखी जी के दरबार, जो कि बगलामुखी धाम के नाल प्रसिद्ध है, जो कि गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौंक के स्थित माँ के भव्य मंदिर अज मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिहड़ा कि हर महीने आखिरी रविवार को किया जाता है। इस संपूर्ण फलदायी हवन यज्ञ के बहुत दूरों दूरों आई संगतां ने महामई के दरबार च हाजरी लगा के हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां और अपने ते अपने परिवार लई सुख समृद्धि लई शरीरिक निरोगता हर पासों जित और जिन्हिया भी आदियां व्याधियां उन्होंने नाश के लिए हवन यज्ञ च आहुतियां पाईया। साड़ी पीताम्बरा माँ बगलामुखी जी के चरणों बारंबार यही अरदास बेनती है कि माँ अपने भगतों के उत्ते आशीर्वाद ते मेहर भरिया हाथ रखो और इस तरह ही दरबार तुहाडे ते मेले लगते रहन और हवन यज्ञ होंदे रहन। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि हर वीरवार नूं और हर शनिवार नूं माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी के लगातार हवन यज्ञ का आयोजन होंदा रहिंदा है। आप भी आओ अपने परिवार के नाल, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए माँ के चरणों जाके अरदास बेनती करो और अपनियां झोलियां खुशियां नाल भर के लेके जाओ। श्री गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व के संबंध में गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा हुशियारपुर जालंधर से
29 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी के तहत 5वीं प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर ज्योति चड्डा के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर ज्योति चड्डा परिवार की ओर से पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। इस मौके पर संगत के लिए चाय व बिस्किट का लंगर भी लगाया गया। इस मौके पर मक्खन सिंह, सरदारा सिंह मक्कड़, बूटा सिंह भाटिया, गुरचरण सिंह, राम सिंह, बीबी हरजिंदर कौर, इंद्रजीत कौर, हरजीत कौर, कुलविंदर कौर, गगनदीप सिंह, अज दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा हुशियारपुर वालों गुरु नानक देव के गुरपुरब संबंध प्रभात फेरियां निकालिया जा रही हैं। उन्होंने संबंध में अज माई रंगे चड्डा परिवार फैमिली के घर ये सारी प्रभात फेरी का आओ भगत स्वागत किया गया। असी चड्डा फैमिली का धन्यवाद करते हाँ और महाराज इन्हों चढ़ती कला रखे और सारे ना गुरु नानक देव नामदेव लख लख बधाई। जालंधर के बाजार शेखा स्थित कष्ट निवारण श्री बालाजी मंदिर में भव्य साप्ताहिक चौकी विधायक एवं प्रधान रमन अरोड़ा की अध्यक्षता में बड़ी श्रद्धा पूर्वक करवाई गई। इस दौरान मंदिर प्रांगण में चौकी की शुरुआत प्रधान रमन अरोड़ा ने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ की, जिसके पश्चात उन्होंने अपनी मधुर वाणी से सुंदर भजन प्रस्तुत कर भक्तों को नाचने के लिए विवश कर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बालाजी के भक्त जन शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। ओ जब शाम ने पकड़ी डलाई फिकर फिर क्या करना, जब शाम ने पकड़ी डलाई जब शाम ने पकड़ी डलाई फिकर फिर क्या करना, जब शाम ने पकड़ी जब शाम ने पकड़ कराई फिर क्या करना। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतलाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिन्नी सांवरिया, चंद्र कन्हैया, डॉली राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा, रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। शेरां वालिए नी सदा सानू तेरी लोड़।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जलंधर के ग्रीन एवेन्यू में तीन दिन से बंद पड़े एक घर में से एक महिला की लाश मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। नाभा ब्लॉक के गांव कालसना में पराली के धुएं के कारण दो विद्यार्थियों की मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े ट्रैक्टर से टकराई, दोनों गंभीर घायल। नाभा की नई जिला जेल में बंद 148 कैदी पाए गए हैं हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने 300 कैदियों की भेजी थी लिस्ट। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।